सो भाई इंडिया में एक और स्मार्टफोन दोस्तों लॉन्च करने वाला है, उस स्मार्टफोन का नाम है मोटो G73 5G स्मार्टफोन। भाई इसका फ्लिपकार्ट पे टीजर पेज भी आ चुका है और भाई इसका लॉन्चिंग डेट भी यहाँ पे यानी रिवील कर देगा डेट। तो इस स्मार्टफोन का आपको फीचर मिलने वाला है, फुल डिटेल बताए हो वीडियो भाई शुरू लास्ट देखते रहिए, ये वीडियो में बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं मोटो G73 5G स्मार्टफोन में डिस्प्ले साइज। दोस्तों इसमें आपको डिस्प्ले साइज काफी बड़ी मिलेगा जो कि 6.5 इंच का फुल HD प्लस आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अल्ट्रा वाइड इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। अल्ट्रा फास्ट 5G विथ 13 5G आपको यहाँ पे बैंड भी देखने को मिल जाएगा मोटो G73 5G स्मार्टफोन में। चलिए बात करते भाई रैम का। दोस्तों इसमें आपको डुअल आपके यहाँ पे इसमें आपको यहाँ पे रैम देखने को मिल जाएगा अलग अलग वेरिएंट का, जो कि आपको 6GB और 128GB, 8GB और 128GB। इसमें भाई कैमरा आपको भी देखने को मिल जाएगा मोटो G73 5G में, जो कि भाई डुअल कैमरा, जो कि मेन कैमरा आपको 50MP 2MP। सेल्फी कैमरा की बात करते हैं मोटो G73 5G यानी 5G स्मार्टफोन में, जो कि आपको भाई सेल्फी कैमरा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 16MP आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते भाई ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लेटेस्ट आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाएगा। भाई इसमें बात करते हैं डिजाइन का। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि डिजाइन जो कि सिल्क स्टाइलिश एंड प्रीमियम आपको यहाँ पे डिस्प्ले यानी डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मोटो G73 5G स्मार्टफोन है। बैटरी कैपेसिटी बात करते हैं भाई, बैटरी काफ़ी बड़ी मिलेगी जो कि 5000mAh का बैटरी मिलेगा, 30W का फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगा मोटो G73 5G स्मार्टफोन में। और भाई इसमें प्रोसेसर बात करते हैं, दोस्तों इसमें प्रोसेसर बताया जा रहा है कि इंडिया का ऐसा फर्स्ट स्मार्टफोन है जो कि आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 930 का आपको यानी 913 का आपको यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई इंडिया का फर्स्ट यानी मीडियाटेक डायमेंसिटी 930 का आपको यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर बात करते हैं, प्रोसेसर बता दियो, प्राइस की बात कर रहा है, प्राइस इसमें बताया जा रहा है कि 15 से 20 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन अंदर में आपको मिल जाएगा, यानी 15 से 20 हज़ार रुपये के अंदर में आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। लेकिन भाई ये अलग अलग रैम के अनुसार से अलग अलग प्राइस भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी प्राइस हो सकता है। तो कब तक इंडिया में लॉन्च करेगा, तो भाई ये इसका कन्फर्म यहाँ पर डेट फ्लिपकार्ट आया है टीजर पेज के साथ, जो कि 10 मार्च को भाई इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। और भाई फ्लिपकार्ट टीजर पेज भी आ चुका है, आप भी चाहेंगे तो फ्लिपकार्ट चेकआउट भी कर सकते हैं। तो भाई ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना। चल दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।